Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today we are going to discuss 5 questions of a mathematical reasoning which were asked in June 2013. Okay, as we have earlier discussed many more previous year question papers. If you people are new, you have not watched my previous video, so you can watch my previous video also. Okay guys, and you can also follow me on my Telegram and Facebook group as well. Okay, and one more information for all of you is that you can join or you can follow my NTNet paper 1 series and daily dose series, which is very very beneficial from the point of view of your NTNet examination. And yesterday I had posted these questions I posted these questions in the morning. Okay, so in evening I am recording video and I am providing you a solution. So what question says, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर मुझे नहीं मिले तो मैंने इसे लिख लिया है, बाकी तो मैं ऐसे ही बता दूंगी. देखिए, ये क्वेश्चन है, एक इन अ सर्टेन क्रिकेट टूर्नामेंट, किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में 45 मैच खेले जाते हैं. ईच टीम प्लेड वंस अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर, एक टीम दूसरे टीम के विपरीत खेलती है. ठीक है, द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, आपको बताना है कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया. 8, 10, 12, 14, कितने टीमों ने पार्टिसिपेट करा है ये आपको बताना है. ओके, वैसे तो आप इसे प्रोबेबिलिटी सेक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी मेथड लगा के फाइंड आउट कर सकते थे, ये वाला मेथड मैं बता दूंगी. बट अगर ये किसी को नहीं आता है, वैसे ये बहुत छोटा सा मेथड ही है, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करोगे कि मैम ने प्रोबेबिलिटी से ही बताइए, तो मैं प्रोबेबिलिटी से भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको सोल्यूशन. ओके, अभी मैं इजिएस्ट वाला बताना चाहूंगी. देखिए, आप इसको इजिली 4-5 स्टेप में ही फॉलो कर सकते हो. ये आप फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, 45. अब आप इसे सॉल्व करिए, n, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले n n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90. अब आप इसे सॉल्व करेंगे, n का स्क्वायर माइनस n माइनस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 0. 90 इधर ले आए. ओके, अब आप इसके ऐसे फैक्टर करिए कि इनटू करने पे 9 आए और माइनस करने पे 1 आए. माइनस n मतलब माइनस 1. ओके, तो माइनस 10 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 1, प्लस माइनस माइनस. ये फैक्टर करने की ट्रिक थी. वैसे बेसिकली मैंने समझा दिया है कि मैं अभी लिखूंगी वैल्यू इस वजह से, ठीक है, बाकी सबको पता ही होगा कि फैक्टर कैसे करते हैं. अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, कैसे फैक्टर हो जाएंगे, इजीली आप इसके फैक्टर कर सकते हो. n का स्क्वायर, जैसे मैंने बताया ना, n का स्क्वायर माइनस 10 n प्लस 9 n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ऐसे आप कर दोगे. अब आप कॉमन ले लो, n का स्क्वायर माइनस n, तो n कॉमन लिया, n माइनस 10 हो गई वैल्यू. फिर आपने क्या किया, प्लस 9 कॉमन लिया, तो आपकी n माइनस 10 हो गई वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो n माइनस 10 वैल्यू आई और n प्लस 10 आई, ठीक है. तो n इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से n की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है. अब देखो, n की वैल्यू, एक आपकी प्लस 9 आ रही है, एक आपकी माइनस 10 आ रही है, तो आप माइनस 10, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो आ गई. अब सिर्फ अगर मैं बोलूँ n माइनस 10 है, आपसे बोलूँ इज इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू आपसे पूछूंगी, आप बता नहीं दोगे कि 10 है. ऐसे ही मैं आपसे पूछूं n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू आपसे पूछूं तो बता नहीं दोगे आप माइनस 9 है, तो माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है नेगेटिव का, और इसमें ऑप्शंस में भी नहीं है, तो प्लस 10 आ गया है. प्लस 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बोला गया था 45 मैच खेले गए थे क्रिकेट टीम में, एक टीम ने दूसरी के विपरीत क्रिकेट खेला था, आपको बताना था कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था. मैंने बोला ये आप फॉर्मूला लगा दो तो आप प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशंस से बच जाओगे. स्टिल अगर किसी को प्रोबेबिलिटी ही चाहिए तो मैं प्रोबेबिलिटी बता दूंगी. ऐसे आप कर देंगे, फिर आप फैक्टर ले लेंगे, फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, ये वैल्यू ऐसे फाइंड आउट हो गई. अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेती हूँ, ठीक है. एक सेकेंड में दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड में आप नोट कर लिए, मैं दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ क्या था आपका दूसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन बेसिकली अल्फाबेटिकल सीरीज का था, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है. देखिए, दूसरा क्वेश्चन बेसिकली आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का था, जो कि बहुत सिंपल सी अल्फाबेटिकल सीरीज मैंने पूछी थी. आई होप सबने अच्छा आंसर दिया भी है और सबके आंसर सही आए भी हैं, बट स्टिल कुछ एस्पिरेंट ने मेरे से पूछा था, मैम बेसिक क्या होता है नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज को
फाइंड आउट करने का, मतलब अगर टिपिकल दी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होता वो नोट करिए, क्या दिया था क्वेश्चन, गालिब दिया था। ओके, गालिब को क्या कोट किया गया था, गालिब को HBMJC कोट किया गया था, आपको टाइगर का निकालना था। आप ऐसे क्वेश्चन नोट कर लिए, कुछ मत करिए, ठीक है। उसके बाद आप ABCD लिख लीजिए, ABCDEFGHIJ, ठीक है, KLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे आपने ABCD लिख लिया। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इसे कोट कर लीजिए, नंबर डाल लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखिए ऐसे आपको करना था, ठीक है। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, ये तो सीरीज बहुत ही सिंपल सी दी है, बट अगर टिपिकल आ जाएगी तो आप क्या करोगे, इसलिए मैंने ये पूरी सीरीज लिखी है। अब देखिए गालिब जी जो है आपका वो 7 कोड किया गया है, ए 1 नंबर पे आता है, एल आपका किस नंबर पे आता है, 12 पे आता है, आई आपका किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, एच आपका किस नंबर पे आता है, 8 पे आता है, बी 2 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है। तो आपको यहाँ पे इजिली फाइंड आउट हो रहा होगा कि +1 +1 की सीरीज चल रही है, तो आगे भी +1 की सीरीज चलेगी। कैसे चलेगी, देखिए टी आपका 20 नंबर पे है, आई आपको पता ही है कि 9 नंबर पे आता है, जी 7 पे, ई आपका 5th नंबर पे आता है और आर आपका 18 पे आता है। तो +1 की सीरीज यहाँ पे भी फॉलो होगी, ठीक है गाइस, +1 की सीरीज यहाँ पे भी फॉलो होगी, 21 हो जाएगा, 9, 1, 10, 7, 1, 8, 5, 1, 6, 18, 1, 19, ठीक है। तो टी के बाद 21 पे आपका क्या आ गया, यू आ जाएगा, 10 नंबर पे आपका क्या आता है, जे आता है, 8 नंबर पे आपका एच आता है, 6 नंबर पे आपका एफ आता है, 19 पे एस आता है। तो आपका आंसर यू जे एच एफ एस, ये मैंने जिस भी ऑप्शन में दिया है, तो दिस वन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये ट्रिक होती, पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखिए, उनको नंबर से कोड करिए, देन आप नंबर से यहाँ पे लिख के आप देखिए कितने का गैप है, ऐसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तीसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, तीसरा क्वेश्चन, आई होप ये आपको आ गया होगा, मैं रफ करती हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे नंबर सीरीज का पूछा है, देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही सिंपल था, बट किसी किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, वैसे आई हो नहीं हुई हो आपको प्रॉब्लम, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो क्या था क्वेश्चन, मैं देखना चाहूंगी क्वेश्चन क्या था। नंबर सीरीज आपकी थी बेसिकली 40 थी, ठीक है, 40, 120, 60, ओके, 180, 90, देन आपको बीच का क्वेश्चन मार्क दिया था, उसके बाद की वैल्यू 135 दी थी, ठीक है। अब आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे, आपने देखा 40 × 3 = 120, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये आपको दिख रही होगी वैल्यू, ओके, 2 का दिखा, तो यहाँ पे दिखा कि इंटू 3 हुआ, यहाँ पे दिखा डिवाइडेड बाय 2 हुआ, यहाँ पे आपको क्या दिखा, अगेन आपको ये दिखा कि इंटू 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, आपको यही पे फाइंड आउट हो रहा है कि डिवाइड बाय 2 हुआ है, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 3 × 2 डिवाइड बाय 2, अब आपको दिख रहा होगा पहले इंटू 3 हो रहा है, फिर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे जो होगा वो इंटू 3 हो जाएगा, तो 90 × 3 = 270, ओके, 270 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 270 आ जाएगा, 270 इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, दिस वन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
आई होप आपको ये आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ऑड नंबर क्या था, द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 45 तक, ऑड नंबर्स, द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 45 विच आर एग्जैक्टली, जो कि क्या है, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ओके, 1 से 45 तक ऑड नंबर आपको लिखने हैं जो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, फिर आपको निकालना क्या था, 3 नंबर आर अरेंज डिविजिबल बाय 3 इन एन असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर इन 6th पोजीशन। आपको फाइंड आउट करना है नंबर इन 6th पोजीशन, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आप 6th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये फाइंड आउट करना था, ये क्वेश्चन था 1 से 45 तक। चलिए 1 से 45 तक ऑड नंबर लिखना शुरू करते हैं जो 3 से डिवाइड हो। नंबर वन क्या होगा, 3 से डिवाइड, जो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, 3 आएगा, फिर 9 आएगा, ओके, देन 15 आएगा आपका, 15 आएगा, फिर 21 आएगा, ठीक है, 21 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 30 होगा नहीं, 33 आएगा, ओके, 33 आएगा, देन आपका 39 आएगा, ठीक है, ये आपके ऐसे आएंगे। 6 नंबर तक आपको फाइंड आउट करना था, 6 नंबर तक फाइंड आउट करना था, 1 2 3 4 5 6, तो 6th नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप देखिए ऑड नंबर इवन नंबर सबको पता होंगे, इवन ऑड आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि भाई इवन क्या होता है ऑड क्या होता है। ठीक है, ये आपका यही क्वेश्चन था, इवन यही है कि इवन नंबर मैं फिर भी बता देती हूँ, इवन नंबर्स वही होते हैं जो आपके 2 4 6 8 ऐसे होते हैं, या फिर जिनके लास्ट में जीरो होता है, जैसे 10 के लास्ट में जीरो हुआ, 20 के लास्ट में जीरो हुआ, 30 के लास्ट में जीरो हुआ, 50 के लास्ट में जीरो हुआ। 2 से जो डिविजिबल है वो आपके इवन है, जो 2 से नहीं डिविजिबल है, 2 से नहीं डिवाइड हो रहे, वो आपके ऑड नंबर बेसिकली क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, या फिर अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, इफ यू डिवाइड देम, ओके, अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2 से, इफ यू डिवाइड देम बाय 2, देन रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर लेफ्ट 1, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। कैसे, अगर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 रिमाइंडर नहीं बच गया, यहाँ पे भी करेंगे 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे भी 1 2 7 14, 20 भी, ठीक है, आपके सारे 1 रिमाइंडर बच जाएंगे, ये भी होता है सिचुएशन। खैर मैंने बता दिए, हालांकि आप सबको पता होगा, स्टिल मैं बता रही थी तो मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप मैंने क्या पूछा था वो भी शायद आपने सॉल्व किया होगा, देखती हूँ मैंने क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था द मीन ऑफ 4 नंबर, क्या पूछा था, मीन ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर्स का मीन, द मीन ऑफ 4 नंबर्स ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी का मीन जो है आपका 100 है, ठीक है, मीन ऑफ 4 नंबर ए बी सी डी का मीन 100 है, सी अगर 70 है, सी की वैल्यू 70 है, तो मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर आपको क्या फाइंड करना है, मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, ठीक है, फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर का मीन फाइंड आउट करना था। तो मीन तो सबको ही पता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई n, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना मीन। अब देखिए मीन क्या क्या दिया था आपको, ए बी सी डी की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 दिया था, तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी डी की वैल्यू 400 आ जाएगी। ठीक है, अब c की वैल्यू आपको चूंकि दे के रखी थी, कितनी दे के रखी थी, 70 दे के रखी थी c की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 400, यहाँ पे c की वैल्यू तो 70 दे के रखी थी, माइनस 700 कर दोगे, तो a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 400 माइनस 70, तो आपको पता चल जाएगी 330 वैल्यू आ जाएगी। ओके,
330 a + b + d की वैल्यू है, और आपको आप इसका मीन निकालना, रिमेनिंग नंबर्स का मीन। अब अगर मैं कहूँ कि इसका आप मीन निकाल दो, तो आप क्या करोगे? मैं ऐसे कहोगे सिग्मा x by n, ठीक है, सिग्मा x समेशन ऑफ x by n, तो a b c d a plus b plus d की वैल्यू 330 है, डिवाइडेड बाय नंबर कितने है, 3 है, यही तो आप करोगे। तो आप कह दोगे कि मैम ये आ गई वैल्यू, ठीक है, x बार आपका आ गया 110 रिमेनिंग की मीन हो गई, और ए बी सी डी की मीन तो आपको दे के रखी थी 100। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन बेसिकली है क्या। लास्ट क्वेश्चन यही था कि द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 50%, रेडियस जो है 50% से अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो पैरीमीटर, द पैरामीटर ऑफ सर्किल, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? ओके, हमने रेडियस को लेट कर लिया, रेडियस आपका 70 है, ओके, ठीक है। तो पहले पैरामीटर, पहला पैरामीटर निकालेंगे 2πr, ठीक है, ये r1 मैंने लेट किया है। अब 2 × 22/7 × r की वैल्यू 70 है, ठीक है, तो 440 आ गई, ये P1 हो गई। अब 50% से इंक्रीज किया गया, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, इसका 50% क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, वैसे भी पता है इसका आधा 50%, तो 70 + 35 = 105 कर दिया गया है मैंने R2। अब मैंने R2 जो लिया है 105 ले लिया है, तो मैं पैरामीटर निकालूंगी 2πr = 2 × 22/7 × 105, ओके, 660 वैल्यू आई। तो आपको बताना है कितना इंक्रीज हुआ है, तो 660 - 450 220 था, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है आपको, ठीक है, पैरामीटर, तो 220 था पहले कितना, 440 × 100, 0 से 0 कटा, ठीक है, 11 × 4 = 11, 2 = 0, 4 × 5 = 50, तो 50% इंक्रीज हुआ है, मतलब 50% है। आपको वैल्यू यही निकालनी थी, क्वेश्चन पूछा गया था इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 50% द पैरामीटर ऑफ सर्किल, पैरामीटर कितना इंक्रीज होगा, अगर ये 50% बढ़ाया जाता है तो पैरामीटर भी आपका 50% बढ़ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल का। आप लोग थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा जैसे दूसरों का है, ओके। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज, बाय बाय।